नमस्कार मैं कविता उनियाल आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी तालिबान के सर्वोच्च नेता मौलाना हेप्तुल्ला अखुनजादा ने अफगानिस्तान में पूरी तरह से इस्लामी कानून लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं तालिबान ने अफगानिस्तान के सत्ता में आने के बाद इस्लामी कानूनों पर अमल करना शुरू कर दिया था लेकिन शरीयत को पूरी तरह से लागू नहीं किया था अब तालिबान के सुप्रीम लीडर हैपतुल्ला अखुनजादा ने देश के न्यायाधीशों के साथ एक मुलाकात की इस मुलाकात के बाद अखुनजादा ने देश में पूरी तरह से इस्लामी कानून लागू करने के आदेश जारी किए हैं तालिबान के प्रवक्ता जबी मुजाहिद ने जानकारी दी है कि न्यायाधीशों के साथ बैठक में ये तय हुआ है कि चोरों अपहरणकर्ताओं और देशद्रोहियों के खिलाफ इस्लामी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी सर्वोच्च नेता ने न्यायाधीशों को इस्लामिक कानून के पहलुओं को पूरी तरह से लागू करने का आदेश दिया है जिसमें खुलेआम फांसी कोड़े मारना पत्थर मारना और चोरों के हाथ काटने जैसी सजाएं शामिल हैं। जबी मुजाहिद ने बताया है कि सुप्रीम लीडर के आदेश को पूरे देश में लागू किया जाएगा ये पहली बार हुआ है जब तालिबान ने सत्ता में आने के बाद पूरे देश में इस्लामिक कानूनों के सभी पहलुओं को पूरी तरह से लागू करने का आदेश जारी किया है हालांकि इससे पहले भी तालिबान महिलाओं और पुरुषों को लेकर देश में कानून को सख्त कर चुका है जैसे सत्ता में आने के बाद तालिबान ने पुरुषों की शेविंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया था तो वहीं महिलाओं के सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनकर निकलने को कहा गया था बाजार में दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई थी कि वो ऐसी किसी भी महिलाओं को सामान ना दे जिन्होंने हिजाब ना पहना हो लेकिन अब अख़ुन ज्यादा ने न्यायाधीशों के साथ बैठक कर देश में चोर लुटेरों और देश को इस्लाम के मुताबिक सजा देने का आदेश जारी किया है जबील्ला मुजाहिद ने अखुन ज्यादा के हवाले से कहा है कि चोरों देश और अपहरणकर्ताओं की फाइलों की सावधानी पूर्वक जाँच करे वह फाइलें जिसमें इस्लामिक कानून की सभी शर्तें पूरी की गई हैं आप उन्हें लागू कर सकते हैं शरीयत का हुक्म है और मेरा आदेश है आपको बता दे अखुन ज्यादा अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद भी मीडिया के पास ना तो उनकी कोई वीडियो फुटेज है और ना ही कोई फोटो है, है अखुन जादा तालिबान के गढ़ कंधार में रहते हैं तालिबान के अलावा दूसरी खबर इंडोनेशिया में चल रहे जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन को लेकर है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ इस वक्त इंडोनेशिया की राजधानी बाली में जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन चल रहा है जिसमें सऊदी अरब और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने नजर आए इस सम्मेलन में सऊदी अरब अमेरिका चीन रूस और भारत जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। सम्मेलन में रूस और यूक्रेन का मुद्दा उठा और समापन में रूस की आलोचना करने का प्रस्ताव रखा गया लेकिन इसमें ज्यादातर देश रूस का समर्थन करते नजर आए और अमेरिका अकेला पड़ गया सऊदी अरब भारत रूस चीन ब्राजील और खुद मेजबान इंडोनेशिया जैसे देशों ने रूस का समर्थन करते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे आपकी इस खबर पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताए अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी शुक्रिया